से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला अंतर्गत खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है, जहां सड़ा व घुन लगा कीड़े मकोड़े मिला चावल सोसाइटी द्वारा गरीब लोगों को वितरित किया जा रहा है। मामला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति करहैया बचई का है, जहां विगत 3 माह से गरीबों को सोसाइटी प्रबंधक राजेश भार्गव और अमर ज्योति मिल और खाद्य विभाग की मिलीभगत से 3 माह से सेवा सहकारी समिति बचे करिया में सड़ा और घुन लगा चावल वितरित किया जा रहा है। चावलों में कीड़े निकल रहे हैं, चावल घुन लगा हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वितरण किया जा रहा है, जिससे लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये घटिया चावल करीब 3 माह से उनको सोसाइटी द्वारा दिया जा रहा है, जिससे उन्हें बेहद परेशानी और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कई बार चावल को लेने से मना कर दिया, पर उसके बाद भी वही चावल दे रहे हैं, जिसकी शिकायत पत्रकार धर्मेंद्र लोधी, राजकुमार पटेल और संजय मेहरा ने कलेक्टर से लिखित में की है और सोसाइटी प्रबंधन और अन्य दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग भी की है, जिस पर अपर कलेक्टर ने तत्काल खाद्य और आपूर्ति अधिकारी को दल गठित कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। नरसिंहपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। चावल जो आ रहा है अपन धोते हैं उनको ना, आधे घुर जाते हैं, आधे काले आ रहा है, आधे सफ़ेद आ रहा है, चावल सही नहीं आ रहा है, बस ये परेशानी। कहीं का अच्छा कहीं का खराब है। अपने यहाँ कब से आ रहा है? अपने पिछले महीने से आ रही है। इसके संबंध में प्रशासनिक अधिकारी को सूचित किया आपने? प्रशासनिक अधिकारियों को बताया मौके मौके में, लिखित में कोई आवेदन? लिखित में किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया। क्या कहना अधिकारियों को? अधिकारियों को कहेंगे अगले महीने से ये सब ठीक हो जाएगा, तुम पहले क्यों नहीं बताया बोले। हाँ, ये जो भी माल अगर ऐसा पहुँचता है तो वो उसको माल बदलने की जिम्मेदारी नागरिक आपूर्ति निगम कर देती है तत्काल। सर ये 2-3 महीने से चल रहा है वहाँ पर वो जो बिल्कुल हम बदलेंगे उसको, बिल्कुल जो भी जैसा भी रहता बताते हैं सोसाइटी वाले, तत्काल बदलने का कर्तव्य नागरिक आपूर्ति निगम बदलता है उसको तत्काल रूप से। फिलहाल गोदाम से माल अगर ऐसा पहुँचता है इसमें भी हो जाता है तो उसको बदली करने की जिम्मेदारी निगम प्रशासन की गोदाम वालों की होती है। सर देखिए गेहूँ के साथ साथ हम चावल भी राशन दुकान से देते हैं, तो गेहूँ तो संभवतः अच्छा मिल रहा होगा। चावल के समय में आपने शिकायत की है तो हमने आपके सामने ही जिला आपूर्ति अधिकारी को लिख दिया है कि आज ही वो दल बना के उसकी जाँच कराए और जो आपके तथ्य हैं जो प्रथम दृष्टया सही लग रहे हैं अगर वो सही पाए जाएंगे तो इन पर जो नियंत्रण अधिकारी हैं SDM होते हैं और हमारे जिला से अगर आवश्यकता होगी तो हम इसमें कालाबाजारी जो भी अपने कहते हैं वो इनके वो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कालाबाजारी एक्ट के तहत और इनका लाइसेंस के तीनों एक्ट के तहत जो भी नियम